हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि 2014 में माइक्रोसॉफ्ट सुंदर पिचाई को अपना तीसरा सीईओ बनाना चाहता था। अब इवन दो उस समय पिचाई ऑलरेडी गूगल में काम कर रहे थे, चांसेस बहुत ज्यादा थे कि वो माइक्रोसॉफ्ट का ये ऑफर मंजूर कर लेते। क्यों? क्योंकि अपेरेंटली सुंदर पिचाई को खुद को गूगल इतना पसंद नहीं था जितना कि शायद माइक्रोसॉफ्ट। यहां तक कि एक बार जब उनका खुद का दोस्त गूगल ज्वाइन करना चाहता था तब सुंदर पिचाई ने उसे ज्वाइन ना करने के लिए कन्विंस कर दिया था। पर फिर भी ये सब जानने के बावजूद क्यों गूगल ने पिचाई को रोकने के लिए हर साल 370 करोड़ रुपए के स्टॉक्स देने का वादा किया और कितनी होगी उनकी मंथली सैलरी कि उनको वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एम्प्लॉइज का खिताब मिला है। अब ना तो पिचाई मार्क ज़करबर्ग या बिल गेट्स जैसे कॉलेज ड्रॉपआउट है जिसने खुद की बिलियन डॉलर कंपनी खोल ली हो और ना ही वो हमारे इलॉन भैया की तरह रॉकेट साइंस को बेहतर करके इंसानों को मार्स पर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि गूगल के जिन भी प्रोडक्ट्स के लिए अक्सर पिचाई को क्रेडिट दिया जाता है वो प्रोडक्ट्स भी खुद के उनके आइडिया नहीं होते। तो फिर आखिर क्यों और कैसे सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ बने? वेल, लेट्स फाइंड आउट इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड हाउ सुंदर पिचाई बिकेम द सीईओ ऑफ गूगल। हर कहानी में एक हीरो होता है और उसकी होती है एक मंजिल, लेकिन उन मंजिल के बीच आता है एक्शन, मसाला, ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। जैसे ये सब एक कहानी को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए जरूरी है, उसी तरह हीरो की बैक स्टोरी भी तो जरूरी है ना बॉस। हमारे हीरो यानी कि सुंदर पिचाई का जन्म जून 10, 1972 को चेन्नई के एक छोटे से घर में हुआ था और मानो बचपन से ही उनका और साइंस का नाता जुड़ चुका था, क्योंकि पिचाई के पिता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के कारण वो हर रोज घर आने के बाद पिचाई अपने काम के बारे में बताते रहते थे, जिसके कारण पिचाई ने आगे चल के IIT से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की थी, जहां एक बार सी ग्रेड मिलने के बावजूद उन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली थी। बस फिर पिचाई निकल पड़े अपनी पहली फ्लाइट में सवार होके सीधे US। पिचाई ने US में अपना मास्टर्स और MBA कंप्लीट करके नौकरी करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने कुछ समय तक अप्लाइड मटेरियल्स और मैकिन्सी एंड कंपनी नाम की मैनेजमेंट फर्म में काम किया था और इसी दौरान उनका दोस्त गूगल में अप्लाई कर था और पिचाई ने ये कह दिया था कि मत जा भाई, ये कंपनी डूबने वाली है। लेकिन उसके कुछ ही वक्त बाद पिचाई ने खुद 2004 में गूगल ज्वाइन किया और आज हम देख ही सकते हैं कि वो किस मुकाम पर पहुंच गई है। एक मिनट, अब इससे पहले कि तुम कमेंट सेक्शन में मुझे गाली देना शुरू करो, पूरी बात सुन लो। हाँ, दरअसल पिचाई को अपने दोस्त को ना बोलने के पीछे कोई सेल्फिश मोटिव नहीं था, बल्कि उस दौरान यानी कि 1990s के वक्त एक बहुत ही बड़ा .com क्रैश हुआ था, जिसे .com बबल बर्स्ट भी कहा जाता है, जिसके कारण तकरीबन 90% इंटरनेट कंपनीज का दिवाला निकल गया था और पिचाई को ये डर था कि कहीं गूगल का भी हाशर कुछ ऐसा ना हो जाए और इसीलिए उन्होंने अपने दोस्त को ना कहा था। और ना कहते भी क्यों नहीं, जून 2003 में US में सिर्फ टेक फील्ड की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.6% थी, करीबन 2,36,820 लोग जॉब्स के लिए भटक रहे थे और उसी दौरान इंटरनेट इतना बूम होने के बावजूद उस पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां से लोग आसानी से जॉब ढूंढ सके। सो अनएम्प्लॉयमेंट की मारी बहुत थी एंड आई एम प्रीटी श्योर आज भी काफी हाई है, स्पेशली इस कोरोना के बाद। जैसे आपको पता होगा कोविड के दौरान करोड़ों लोगों ने अपना रोजगार खो दिया था और लॉकडाउन हटने के बाद भी लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे थे और तब लोगों की जरूरत को देखते हुए एक इनोवेटिव कंपनी ने तुरंत बाजी मारी एक बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ जिसका नाम था हायरेक्ट। हायरेक्ट एक ऐसा जॉब पोर्टल है जहां पर आप बड़े बड़े कंपनीज के सीईओस, फाउंडर्स, रिक्रूटर्स से डायरेक्टली बात करके अपना इंटरव्यू स्केड्यूल कर सकते हो। प्लस इस ऐप को आज की डेट में 3,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हायरिंग के लिए यूज कर रहे हैं। यही नहीं, हायरेक्ट पर जितने भी कंपनीज और जॉब एप्लीकेशन होते हैं ना, हायरेक्ट का यह दावा है कि वो 100% लेजिट होते हैं, नो स्पैम नो स्कैम। और इसके पीछे का रीजन ये है कि हायरेक्ट ईच एंड एवरी मेंबर से 100% KYC कराता है और इसे यूज करना भी बिल्कुल सिंपल है। बस डाउनलोड करो, सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस को सिलेक्ट करो, फिर किस सेक्टर में आप काम करना चाहोगे वो सिलेक्ट करो, अपनी प्रोफाइल बनाओ और अंत में क्रिस्प सा बायो लिख दो और बस। हायरेक्ट का AI सिस्टम एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपके लिए जॉब्स ढूंढकर आपके सामने परोसेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे पर्सनली इस प्लेटफॉर्म की लगती है कि यार ये सारे कम्युनिकेशन चैनल ओपन कर देता है डायरेक्टली कंपनी से, मतलब आप सीधा कंपनी के VP, कंपनी के रिक्रूटमेंट मैनेजर या इवन फाउंडर से डायरेक्टली बात कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि आपके कंपनी के वैल्यूज क्या है
और आपको किस टाइप के कैंडिडेट चाहिए, ताकि आप पहले ही जान सको कि क्या आप उस जगह के लिए एक परफेक्ट मैच हो कि नहीं। और हायरिंग पर आपको मोस्ट ऑफ द बिग कंपनीज मिल जाएंगे और इवन प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स भी मिल जाएंगे। और जैसे आपको बताया, स्टार्टअप्स को हमेशा एम्प्लॉयज की जरूरत होती है। वहां पर वर्क करके आप बहुत ही नॉलेज, लर्निंग और एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो और अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हो। सो रुके क्यों हो, गो एंड डाउनलोड हायरिंग नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड हैव ए हैप्पी जॉब सर्चिंग। बट मूविंग ऑन, अब जानते हैं कि असल में पिचाई का गूगल में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है और जिस वजह से उन्हें सीईओ की पोजिशन मिली है। नंबर वन कॉन्ट्रीब्यूशन, गूगल सर्च टूल बार। पिचाई ने 1 अप्रैल 2004 को गूगल के लिए इंटरव्यू दिया, ठीक उसी दिन पर जब जीमेल को लॉन्च कर दिया गया था। ऑब्वियसली वो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए और सिलेक्ट होते ही उन्हें गूगल के उस समय के सबसे मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मैनेजर बना दिया गया। वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था गूगल सर्च टूल बार। अब अगर आपको ये नहीं पता कि ये किस चिड़िया का नाम है, तो डोंट वरी, काफी लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि इसका लॉन्च हुआ था 2000 में, जब तुम लोगों में से ज्यादातर लोग या तो लंगोट गीला कर रहे थे या फिर इस दुनिया में तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं था। भले ही अभी लोगों को इस टूल बार के बारे में ना पता हो, लेकिन तभी ये गूगल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, क्योंकि यू सी उसके 2 साल बाद ही माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग को इंटरनेट एक्सप्लोरर का डिफॉल्ट सर्च इंजन बना दिया था। पर 2 साल पहले ही आ जाने के कारण कई यूजर्स को गूगल सर्च ही ज्यादा कन्वीनियंट लगता था। अब सोचो, अगर उस समय ये लॉन्च नहीं होता तो शायद हम आज भी इंटरनेट एक्सप्लोरर दादाजी पर बिंग का इस्तेमाल कर रहे होते। तो इसी तरह लक बाय चांस सुंदर पिचाई का पहला प्रोजेक्ट ही गूगल के लिए इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट साबित हो गया। नंबर टू, गूगल क्रोम। गूगल सर्च टूलबार पर काम करते वक्त पिचाई को रियलाइज हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट के हर एक स्टेप गूगल के लिए कितना घातक हो सकते हैं, क्योंकि अगर माइक्रोसॉफ्ट 2 साल पहले बिंग को आई यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पे डिफॉल्ट ब्राउजर बना देता, तो शायद गूगल का सर्च इंजन इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर ही नहीं पाता। इसीलिए फिर पिचाई ने सोचा कि माइक्रोसॉफ्ट से डर के नहीं रहा जा सकता, उन्हें अपना फ्यूचर डिसाइड करने नहीं दिया जा सकता, और ये कहते हुए उन्होंने गूगल क्रोम का आइडिया अपने सुपीरियर्स के सामने फरमाया। लेकिन उनके मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स का रिएक्शन ये था कि भैया पगला गए हो क्या, ऑलरेडी आई चचा को आके एक सदी हो चुका है, सफारी और फायरफॉक्स भी रेस में काफी आगे निकल चुके हैं, अगर हम अभी इस रेस में उतरते हैं तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, समझे क्या। पर फिर पिचाई को मिला 2 तिनकों का सहारा, यानी गूगल में सिर्फ 2 ही ऐसे लोग थे जिन्हें पिचाई का आइडिया पसंद आया था और वो उसे सच करना चाहते थे, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। क्योंकि उन्हें ये पता था कि गूगल का किसी भी रेस में जीतने का कारण ये नहीं कि वो रेस ट्रैक पे सबसे पहले आए थे, यानी सर्च इंजन की रेस में वो 8 साल लेट आए थे, मेल सिस्टम्स के रेस में वो पूरे 33 ईयर्स लेट आए थे। सो ऑब्वियसली यहाँ पर भी एक्सेप्शन हो सकता है। इनफैक्ट जब वो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म की दुनिया में उतरे थे, तब उन्होंने सबसे जूने वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म shareyourworld.com को छोड़कर YouTube को खरीदा था। shareyourworld.com was launched in 1997, YouTube was launched in 2005. So basically, खुद के ही सक्सेस को देखते हुए उन्हें ये तो पता था कि ये मैटर नहीं करता कि तुम फर्स्ट हो या लास्ट, लेकिन ये मैटर करता है कि तुम कितना अच्छा प्रोडक्ट और सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हो। इसीलिए फिर उन्होंने सुंदर पिचाई को और उनके आइडिया को ग्रीन सिग्नल दे दिया, लेकिन पिचाई इनसे भी एक कदम आगे थे। ग्रीन सिग्नल मिलने से पहले ही उन्होंने गूगल के नए ब्राउजर के लिए कुछ की टारगेट्स डिसाइड कर लिए थे, जिसमें से टारगेट नंबर 1 था क्रिएटिंग एन अनबीटेबल यूआई। गूगल का यूआई यानी कि यूजर इंटरफेस पहले से ही लोगों में हिट था, पर गूगल क्रोम के थ्रू पिचाई गूगल के कंपेटिटर्स से बेहतर यूजर एक्सपीरियंस, ज्यादा स्टोरेज और ज्यादा सर्विसेज देना चाहते थे। वो अपने कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरना चाहते थे, और ये करना गूगल के लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि उस समय का बेस्ट ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर था, और इसे यूज करने वाले लोगों को एक सिंपल सा अच्छे स्पीड पे चलने वाला ब्राउजर भी दे देते तो भी लोग हाथों हाथ खुशी खुशी राजी हो जाते उसे यूज करने। सो टारगेट नंबर 1 इजीली अचीव हो गया, विच वाज इजी। पर सिर्फ अच्छे यूजर इंटरफेस से काम नहीं बनेगा, ये चीज पिचाई को पता थी। उन्हें पता था कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए क्रोम को एक और एक चीज बनानी पड़ेगी, वेब डेवलपर्स फेवरेट। अब यहाँ पे पिचाई ने बहुत ही स्मार्ट चाल चली। वेब डेवलपर्स को क्या पसंद आएगा ये खुद एज्यूम करने से अच्छा उन्होंने सोचा कि क्यों ना वेब डेवलपर्स को खुद ही बताए कि उन्हें अपना ब्राउजर कैसा चाहिए, और वो ये कैसे बताएंगे, क्रोमियम के थ्रू। दरअसल क्रोमियम एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है जिसे सितंबर 2008 में लॉन्च किया गया था।
इसके थ्रू दुनिया भर के वेब डेवलपर्स क्रोम ब्राउजर के इनपुट्स के लिए सजेशंस देते हैं और पिचाई की टीम उनमें से सबसे अच्छे सजेशंस को इम्प्लीमेंट करते थे, जिसके कारण गूगल क्रोम काफी स्टेबल और फास्ट बन चुका था। अब इस स्पीड को एक अच्छे और स्मार्ट यूआई के साथ कंपेयर करो, बस फिर ऑब्वियसली रो रो के चलने वाला इंटरनेट एक्सप्लोरर से क्रोम पे स्विच होने के लिए लोगों को ज्यादा समय नहीं लगा। कॉन्ट्रीब्यूशन नंबर 3, गूगल ड्राइव। गूगल ने ऑफिस प्रोडक्ट्स के स्पेस में धमाका तो 2006 में ही मचा दिया था, गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स और गूगल शीट्स को लॉन्च करके। अब ऑब्वियसली ये सारे ऑफिस प्रोडक्ट्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जितने एडवांस नहीं थे, लेकिन ये बिल्कुल मुफ्त थे और इसी फ्री के टैग ने शहद का काम किया और एक एक करके मधुमक्खी के झुंड यानी कि कंपनीज इसके तरफ आकर्षित होने लगी और इस तरह वो माइक्रोसॉफ्ट भैया से कंपटीशन में आगे बढ़ता चला गया। बट गूगल फील्ड में उतर तो गया था, लेकिन उसके प्रोडक्ट्स उतने एडवांस नहीं थे जितने कि माइक्रोसॉफ्ट के थे। बट हाँ, फ्री तो थे जैसे मैंने बताया, तो कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए और क्या कर सकते थे वो? इस पॉइंट पे सुंदर पिचाई ने सोचा कि व्हाट इफ लोग अपने इन प्रोजेक्ट्स पर लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सके। तो बस फिर ऐसे ही जन्म हुआ गूगल ड्राइव का, जहां यूजर्स अपने फाइल्स को फोन या पीसी में सेव करने के बजाय गूगल के डेटा सेंटर्स में सेव कर सकते थे। इससे वो इजीली अपने फाइल्स दूसरों के साथ शेयर कर सकते थे और ऑनलाइन सब कोलैबोरेट कर सकते थे। कंट्रीब्यूशन नंबर 4, एंड्रॉइड वन। अब इतने बैक टू बैक सक्सेसेस के बाद 2012 में सुंदर पिचाई को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ क्रोम एंड एप्स के पद पे विराजमान कर दिया गया था। फिर 2013 में अचानक एंड्रॉइड के क्रिएटर एंडी रूबिन गूगल को टाटा बाय बाय बोल के निकल गए और ऐसे में एंड्रॉइड के डिवीजन को मैनेज करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पिचाई पर आ गई। तब पिचाई ने एंड्रॉइड 1 को दुनिया से परिचय कराया। पहले जो एंड्रॉइड गूगल की एक अलग कंपनी थी, अब वो पिचाई के कारण गूगल के साथ ज्यादा इंटीग्रेटेड हो गई। यानी हर एंड्रॉइड फोन में गूगल के एप्स प्री इंस्टॉल्ड होने लगे, जिसके कारण गूगल का कस्टमर बेस और बढ़ चुका था। सो फ्रेंड्स, आज हमने सुंदर पिचाई के जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा, उन कॉन्ट्रीब्यूशन में से एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो उनका खुद का आइडिया हो। ना ब्राउजर बनाने वाला वो पहला इंसान था, ना क्लाउड स्टोरेज बनाने वाला वो पहला इंसान था, और ना ही एंड्रॉइड उनका खुद का क्रिएशन था। लेकिन अपने आने के बाद उन्होंने दिन रात गूगल के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेहतर करने के लिए एक अटूट कमिटमेंट दिखाया। भले ही आइडियाज उनके नहीं थे, लेकिन हर सिनेरियो में उन्होंने बहुत ही सोच समझ के सही समय पर सही डिसीजंस लिए थे और गूगल पे धीरे धीरे ही सही लेकिन पिचाई का इन्फ्लुएंस हर साल बढ़ते ही जा रहा था। इसीलिए अक्टूबर 2014 में उनको प्रोडक्ट चीफ का प्रमोशन दे दिया गया और उस समय उन्हें दूसरे कंपनी से बेहतर पैकेजेस और ज्यादा हायर पोजीशंस के ऑफर्स भी आ रहे थे, लेकिन उन्होंने सबको ठुकरा दिए गूगल में रहने का। उनके इसी डेडिकेशन के कारण जब 2015 में गूगल के फाउंडर्स ने गूगल छोड़ के अल्फाबेट यानी गूगल की पेरेंट कंपनी की स्थापना की, तब गूगल के सीईओ की पोजीशन सीधे सुंदर पिचाई को ही चली गई। मतलब वो अब गूगल कंपनी से भी एक कदम आगे बढ़ गए और गूगल के पेरेंट कंपनी जिसके अंदर गूगल जैसी और भी कंपनियां हैं उसके भी सीईओ बन गए। और ये चीज हुई 2019 में जब लैरी और सर्गे ने अल्फाबेट के सीईओ का पद छोड़कर चेयरमैन रोल अपना लिया और फिर पिचाई गूगल और अल्फाबेट दोनों के सीईओ बन गए, जिनकी आज मंथली सैलरी ही 1600 करोड़ रुपीज है। वेल, सो आज के हमारे कहानी के हीरो से आपने क्या लेसन सीखे, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले हाईलाइट टैब डाउनलोड करना मत भूलना, इसमें आपको बिल्कुल आपके मैच के परफेक्ट जॉब्स मिलेंगे और सही फीडबैक फ्रॉम द कंपनीज एज वेल। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो इंस्टॉल नाउ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोकना, हमारे इंडियन हीरो की कहानी सभी के साथ शेयर करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के लिए सबको इंस्पायर करो। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ऑल नोटिफिकेशंस का ऑप्शन ऑन करके, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।